इस फिल्म के डायरेक्टर हमारे हैं आलम भाई, जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया है। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मेरे तो भाई जैसे हैं। तो मेरे इनके साथ ऐसे संबंध है कि जब ये मेरे पास आते हैं कोई भी प्रपोजल लेकर, तो मैं इनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं करता। बस ये है कि भाई की फिल्म है तो करना है तो फिर करना है। विष्णु रंगा जो करेक्टर मैं कर रहा हूँ उसका नाम है, निगेटिव है, डॉन है, माफिया है, बहुत खतरनाक आदमी है, किसी की सुनता नहीं, अपने मन की करता है। और इस तरह का कुछ सीन भी है कि रेप वो भी शायद करता है। कुल मिला के बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये लुक भी मतलब सीन, हाँ ये लुक भी उसी के लिए है, लेकिन शायद थोड़ा सा चेंज होगा, दाढ़ी थोड़ी कम होगी, क्योंकि ऐसा चाहते हैं हमारे डायरेक्टर साहब। टाइटल भी खतरनाक है और एक्टर भी सब खतरनाक है इसमें। और आलम भाई की थोड़ी तारीफ कर दें कि डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और इनके साथ काम करके बड़ा मजा आता है मुझे। इसलिए मैं इनकी हर फिल्म में मैं खुद बोलता हूँ कि भाई बुला लेना हमको, काम करेंगे साथ। तो अभी आप लोग देखिएगा इनकी उनका चैनल। नहीं आज सीन तो नहीं, कल हमारा सीन है, आज तो मुहूर्त है तो उसके लिए आए थे। आलम भाई आज पिक्चर का मुहूर्त हुआ है, इसका म्यूजिक मैंने दिया और मैं राज से, और हमेशा आलम भाई के साथ मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, जो भी काम होता है और मैं उन्हीं के साथ करता हूँ। और इस फिल्म का जो म्यूजिक है 90s की याद दिलाई थी आपको, और आलम भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी कोई काम आता है तो राज भाई अपना भाई समझ के मुझे बुलाते हैं और हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं, काम करने इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो और बहुत अच्छे इंसान भी है और बहुत अच्छे टेक्नीशियन भी है, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, और मैंने जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और मुझे बहुत अच्छा है इनके साथ, जब भी काम करता हूँ इनके साथ फैमिली में जैसे होता है वैसे काम करने का, और मुझे फुल छूट देते हैं। और म्यूजिक की सूझबूझ बहुत अच्छा म्यूजिक समझते हैं, जैसे मनमोहन देसाई, शंकर जी, सुभाष गई, उस टाइप की इनकी सोच है, तो अच्छा म्यूजिक सोचते हैं, वैसे अच्छा काम करने का मौका देते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक सुनोगे तो आपको नदीम सर उनकी याद आएगी, बहुत प्यारा म्यूजिक बना है और बहुत ही अच्छा म्यूजिक बना है। अलका याग्निक, उदित नारायण सब ने गाने गाए और बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक बना है। और इसमें चार गाने हैं, बहुत ही उमदा गाने हैं। बाकी आपको जब पिक्चर आएगी, अभी तो सुना नहीं सकते, डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो गा नहीं सकते आप, इसके लिए जब आप आएंगे सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। हाय, माय नेम इज ऑल्विन जॉर्ज, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैं इस मूवी गर्म माहौल में दानिश का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ये मेरी पहली मूवी है रजूत सर के साथ में, और मैं रजूत सर को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मुझे इस मूवी में दानिश का कैरेक्टर प्ले करने का मौका दिया। रजूल सर को रजूल सर ने मुझे 3 साल पहले, अभी 2.5-3 साल हुए, उन्होंने मुझे बताया था मूवी कर रहा हूँ, और उसके बाद अभी 1-3-4 रोज में उनका कॉल आया, मुझे बताया उन्होंने, मूवी स्टार्ट किया। हालांकि मैं सोच रहा था मूवी करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी डायरेक्टर लोग ऐसे रहते हैं, आके मिलते और फिर बुलाते नहीं, फिर बाद में याद फिर कैंसिल हो जाता है। लेकिन फिर रजूल भाई के हौसले बुलंद थे, इरादे नेक थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और वो सच्चे सच्चे दिल के इंसान हैं और उनके इरादे बुलंद थे, इसलिए उन्होंने स्टार्ट की मूवी, मुझे बुलाया, और मैं वापस उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर प्ले करने का मौका दिया। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है, इंस्पेक्टर लोखंडे, करप्ट इंस्पेक्टर, लेकिन रियल लाइफ में करप्ट नहीं। राजुल जी की ये फिल्म है, राजुल आलम जी की, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और फिल्म का नाम गर्म माहौल, और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने बहुत काम किया है पहले, और मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से, मतलब जो भी कोऑपरेट होता है वो काम में, तो
मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, और मैं चाहता हूं कि अभी काफ़ी टाइम के बाद उनका कैमरा ऑन हुआ है और मैं चाहता हूं कि ये कैमरा हमेशा ऑन रहे। बहुत अच्छे और टैलेंटेड इंसान हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, काम भी बहुत अच्छा है उनका। मैंने उनको 3-4 साल पहले बोला था कि आप कुछ जिस पोजीशन पे होना चाहिए था आप इस पोजीशन पे आगे चल के होना चाहिए, आप आगे बढ़ें जल्दी। इस प्रोजेक्ट के बाद 2-3 प्रोजेक्ट और हैं, बस उसका कंटिन्यूटी चालू रहे, मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ। वो मेरे छोटे भाई हैं और बहुत ज़्यादा मैं उनको प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। बस ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे रहें, तरक्की करें आगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रीना जैन है और मैं इस मूवी में माँ का कैरेक्टर कर रही हूँ। एक कैरेक्टर है भोला, उसकी मम्मी की भूमिका अदा कर रही हूँ और ये लिटिल स्टेप आर्ट्स प्रोडक्शन की मूवी है और राजू आलम सर की मूवी है। मैं राजू आलम सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे काबिल समझा और इस मूवी में रोल दिया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ काम करने के लिए। हाँ जी, आज मेरा नहीं है आज। किस तरह का रोल कर चुके हो पहले भी आप, कुछ काम कर चुके हो उसके बारे में? हाँ जी, मैंने कई कैरेक्टर रोल किए हैं जैसे टीचर, डिटेक्टिव और कुछ ताई जी का रोल वगैरह। एहसान जी भी इसमें कर रहे हैं काम? एहसान खान? हाँ जी। कितने एक्साइटेड है? अभी एहसान खान जी के साथ ही थी मैं उनके कमरे में, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने घर का गरम गरम नाश्ता कराया, पराठा वगैरह, बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। थैंक यू। मेरा इस मूवी में लपाचा का रोल है और नाना लंगड़े का इसमें भाई का रोल है मेरा, और ये मेरी फर्स्ट मूवी है। अभी हमने एक शूट किया है लोखंडे, इसमें इंस्पेक्टर है और वो करप्ट ऑफिसर है इसमें। राजू आलम सर के जो विचार है बहुत अच्छे हैं और उसी वजह से मेरा मुंबई आना हुआ है, इस मूवी में काम कर रहा हूँ और ये इनके साथ पहली फिल्म है, बाकी देखते हैं। एक मैसेजिंग मूवी है। हाँ जी, ये मेरे साथ है, जो जो हमारा अभी शूट हुआ है उसमें इनका रोल था। अभी नरेंद्र जी ये बताइए आप कि अभी आपने जो आप यहाँ पे आए और इंशाल्लाह से दिख रहा है कि मेकअप वगैरह है और ये सारे आपके साथ लड़के लोग हैं, तो अभी आपने यहाँ पे क्या सीक्वेंस शूट किया? हमने अभी एक थाने का रोल किया है यहाँ पे, एक लोखंडे इंस्पेक्टर है उसमें, वो करप्ट ऑफिसर है। अच्छा। और इसमें मैं लपाचा का रोल कर रहा हूँ, नाना लंगड़े के भाई का। अच्छा। तो अभी हमने सिर्फ वही एक शूट किया है, उसमें ही हमारे साथ है। तो अभी जो आपने शूट किया तो वो सीन आपको कैसा लगा? वो सीन बहुत अच्छा था, उसमें एंट्री जो थी वो बड़ी अच्छी थी हमारी। अच्छा। बाकी तो वैसे आप कहाँ से आए? हम गुड़गांव से आए। गुड़गांव से? हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा से। हाँ जी। तो आगे तक और एक्शन वगैरह क्या कुछ है इसमें आपका, क्या है? हाँ जी, इसमें मेरा रोल है इस मूवी में आगे तक है। हाँ जी। और कासम, तुम्हारा नाम कासम बताया था मुझे किसी ने, तो आप क्या कर रहे हो इसमें? मैं इनका, इनके साथ में मेरा कैरेक्टर है। तुम लोग सब गुंडे लोग, इन लोगों से माँ बेटियों को बचा के रखना पड़ेगा। और आपका क्या नाम है सर? कृष्णा। थोड़ा जोर से बोलो। हरीश माथुर। आप कहाँ से? मैं रतलाम एमपी से। अच्छा, रतलाम से आए हो डॉक्टर राजू के साथ काम करने के लिए? डॉक्टर, अभी जो आपने छोटा मोटा जो भी छोटी बता रहे नरेंद्र जी, ठीक है, लपाचा इनका नाम इन्होंने बताया, करेक्टर का नाम लपाचा है, तो आपने इनके साथ जो किया तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, ये भी एक्टर बहुत अच्छे हैं तो डायरेक्टर राजू साहब तो बहुत ही बढ़िया है, उन्होंने मुझे इस फिल्म में चांस दिया था, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। आपका क्या नाम है? शिव कुमार। शिव कुमार। आप कहाँ से?
जो इस फिल्म का जो भी सब्जेक्ट है वो तो रिवील नहीं करते हैं, लेकिन जो भी आपके डायरेक्टर ने या राइटर ने जो भी आपको सुनाया, तो इससे क्या उम्मीद रखती है आपको, क्या मैसेज जा सकता है पब्लिक के बीच? इसमें हमें बहुत अच्छा मैसेज देंगे लोगों को, वो तो मूवी लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा वो मैसेज क्या है क्या नहीं। मूवी तो लॉन्च हो गई सर, रिलीज होती है इसके बाद, लॉन्च तो आज हो रहा है। हाँ, तो रिलीज होगी उसी के बाद पता चलेगा वो मैसेज, तो अभी हम उसको क्लियर नहीं कर सकते। अच्छा, यानी वो आपने अभी मतलब छुपा के रखा। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा अक्षर, मैं इसमें पिद्दी का कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं इसमें डॉन छोटा नहीं चाहता। इसमें भाई के साथ इंटरव्यू कर रहे, भाई के साथ रहते इस पूरी मूवी के अंदर, भाई जो होने का हमें सिर्फ करना है, सोचना है। देखो जी, आजकल सभी गर्म माहौल में रहते हैं, कोई भी किसी का कभी किसी का किसी को भी छेड़ दो वही गर्म हो जाता है, लेकिन क्या करें, कुछ मैसेज पब्लिक को देना भी जरूरी है, तो इसमें हम टाइटल एक ऐसा रखा है जो पब्लिक को अच्छा सा मैसेज मिलेगा, मूवी जब देखने जाओगे तो आपको सब कुछ सामने आ जाएगा। मतलब क्या आप पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं गर्म माहौल के साथ, क्योंकि गर्म का मीनिंग भी अलग है। गर्म का मीनिंग भी अलग होता है पब्लिक का। दो तरह का ये क्या है, ज्यादा कौन के स्टाइल का टाइटल है? ये टाइटल एक अच्छा प्रेम भाव का मैसेज भी देता है और मेल मिलाप का भी है। तो आपने ये जो सब्जेक्ट लिखा है, ऐसा क्या जहन में मतलब दिमाग में क्या रख के आपने ये सब्जेक्ट मुझे सब्जेक्ट को कुछ देख के ही लिखा जाता है? नहीं, वो तो हमें भी पता है कि कुछ देख के ही लिखा जाता है, लेकिन आपने ऐसा क्या देखा कि गर्म माहौल रख दिया, और इसमें अभी हम लोग पहले लिए कि कोई विष्णु रंगा, कोई लवाचा, कोई गोच, इस तरीके से जो है बड़ी अच्छी माँ भी है सीधी सी, तो ये गर्म माहौल में वो होती है, तो किस हिसाब से आपने पूरा जो ये जो मूर्तियों की जो माला आपने पिरोई है, क्या सोच के आपने पिरोई है, उसका एक अपने कार्य शरीफ एक जो हमारा हीरो है वो थोड़ा शरीफ था। कौन सा थोड़ा थोड़ा? आज के टाइम में कोई शरीफ नहीं होता सर, काम मिलता नहीं, घूमने जाता है बेचारा, जैसे जैसे जब माहौल देखता है उसके हिसाब से वो फिर उठने ढलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फिर कुछ लोग उसको मिलते हैं, वो उसको ट्रीट करते हैं कि भाई आगे क्या करना है कैसे करना है, लेकिन वो जानता नहीं, लेकिन फिर उसको जबरदस्ती जाना पड़ जाता है। तो आपका क्या नाम है सर? सतीश कुमार। आप कहाँ से हैं सर? मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। अपना भाई है राजू आलम, डायरेक्टर है, और राकेश है इस मूवी के अंदर एज ए राइटर, और ये दोनों मेरे भाई हैं, अच्छे मित्र हैं मेरे। इन्होंने बोला एक मूवी लिखी है, बहुत अच्छी मूवी लिखी है, स्टोरी मैंने सुनी तो स्टोरी मेरे को अच्छी लगी, और राजू भाई और राकेश भाई ने मेरे को दोनों ने इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बोला, अब हाँ भाई एज ए फाइनेंसर आप हमारे साथ काम करो, और अच्छी मूवी है, अच्छा मैसेज जाएगा पब्लिक को और अच्छा होगा। आप इस फिल्म से क्या उम्मीद लगाना? फिल्म से मेरे को बहुत अच्छी उम्मीद है, इसकी स्टोरी जो इसके अंदर जो लिखा हुआ है, एज ए प्रोड्यूसर जो मैं सोचता हूँ वो नहीं, लेकिन मैं इस मूवी में जो राजू भाई ने जो काम किया है, पीछे की मूवियाँ मैंने जो देखी हैं, भाई के एक साथ काम करे हुए आदमी देखे हैं, इसमें जो एहसान खान है उनका देखते हुए, इस मूवी से मेरे को बहुत अच्छी उम्मीद है और अच्छा रिजल्ट देगी। आप कभी तक के इसको स्क्रीन पे पब्लिक के सामने? मैं जल्दी से जल्दी 2 या 3 महीने में इस मूवी को पब्लिक के सामने। 2-3 महीने में आप कर लेंगे? जी जी बिल्कुल, कंफर्म। मुंबई है अभी तो इसका शूट, और इसके जो गाने हैं वो उत्तराखंड में। उत्तराखंड? हाँ। कितने की आपका? 3 CR के आसपास। ओके, माय कैरेक्टर नेम इज सकीना एंड माय रियल नेम इज भूमिका आचल। नो नो, एक्चुअली इन हिंदी दिस इज माय फर्स्ट मूवी, आई हैव डन 2 कन्नड मूवी, वन इज हत्या, अनदर वन इज कनेक्शन। एक्चुअली
actually I am playing a character of a Muslim girl, very pretty girl, and the rest you will get to know after watching the movie. So you know the movie title, Garam Mahol, and this is very interesting movie, and my character is very performance oriented. So I am so excited for this project really. He's an amazing director, and I know him personally also, like, and I hope we are going to do a very nice project, and I would get to know, I would get to learn so many things under his guidance also. Okay, thank you. Thank you. Sahi baat. Shukriya. Pehli baat to mubarakbad dene ke liye shukriya bhai. सोचा क्या, काफ़ी दिन से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, और प्लानिंग करते 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 आज परवरदिगार ने ये दिन दिखा दिया कि हम लोग जो है आज जो फ्लोर पे हैं, शूट कर चुके, आप लोग आए और फिल्म का हमने शूट शुरू करा है। टाइटल इसका प्रोडक्शन नंबर वन से हमने किया, कंपनी लिटिल स्टेप आर्ट से। हमारे माहौल तो एकदम फर्स्ट क्लास है, हमारे सेट का हमेशा माहौल अच्छा रहता है, और बड़े खूबसूरती के साथ हम लोग सब काम करते हैं मिलजुल के। हमारी हमारे जैसी इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, ना तो यहाँ पे कोई जाते ना पाते, कुछ नहीं है, सब इक्वल इंसान है, सब प्यार मोहब्बत वाले हैं, और सब एक दूसरे की परेशानी को हैंडल करके चलते हैं, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, ये एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ये एक भाईचारे का है, जो आज आप देख रहे हो ना कि कुछ लोग जो आज आपस में जो भाईचारा हमारे अंदर था वो ऐसा डिस्टेंस हो रहा है, तो हम इस फिल्म के माध्यम से उन लोगों को ये कहना चाहते हैं, इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, प्रेम प्यार बहुत बढ़िया चीज़ है, और हमेशा प्रेम प्यार से रहो। तो हमारी फिल्म जो गर्म माहौल है उसका मैसेज ही है कि आज के टाइम में आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी किसी को भी एक छोटी सी बात बोल दो तो वो एकदम हाइपर हो जाता है, तो हाइपर होने से काम नहीं होता। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि बंधु हमारे हाइपर हो गए थे, तो अंडरस्टैंडिंग खत्म होती, जो प्रेम रहता है ना वो प्रेम खत्म हो रहा है। तो इस फिल्म से हम चाहते हैं कि कम से कम जो प्रेम प्यार हमारा है वो हमारा प्रेम प्यार बना रहे। देखिए, इसमें हमने 3 से 4 गाने रखे हैं, 2 गाने तो मेलोडी सॉन्ग है, जो एक अलका याग्निक और पीके सिंगर नया है, और अलका याग्निक जी है, दीपा नारायण जी ने गाया है, और रितु पाठक ने गाया है, तो ये सब सिंगर जो है अभी रनिंग में ही है। आपको पता है अलका जी तो अलका जी है, रितु पाठक भी काफी अच्छे गाने गा चुके हैं, आप लोगों को सबको पता है, तो सब टोटली मार्केट के लोग हैं। इसमें मुश्ताक खान है, विक्रांत वाधवा जी हैं, राहुल जाटव है, और एहसान खान साहब है, और इसमें सबसे प्लस जो है कि इसमें जो मेरी आइटम गर्ल है वो दिल्ली से है, मोनिका चौधरी, जैसे यू नो सपना चौधरी, तो वैसे ही मोनिका चौधरी है, तो वो आइटम सॉन्ग कर रही है। आज जो सीन था, आज का सीन ये था कि जो हमारे इंस्पेक्टर हैं अमित श्रीवास्तव, और जो प्ले कर रहे हैं लोखंडे, तो वो उनके पास में जो हमारा फिल्म में जो नाना लंगड़ा है, तो उसका भाई लपाचा है, वो आते हैं और अपने भाई से बात कराते हैं, क्योंकि कुछ किसी को अरेस्ट किया हुआ है, तो आपको तो मालूम है कि हर जगह कोई ना कोई करप्ट भी रहता है, अच्छा भी रहता है, तो उनके बारे में वो सीन का हमारा डिस्कशन था, तो वो सीन हमने अभी क्लियर कर लिया। तो कितने दिन का शेड्यूल है आपका? शेड्यूल हमारा ये 25-30 डेज का है, और देखो 2-5 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, काम है, बरसात है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये हमारा रिलीजिंग का प्लान तो क्या आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन के बाद ही, जितना जल्दी हमारा पोस्ट प्रोडक्शन हो जाएगा तो उतना जल्दी हम लोग जो है फिल्म को रिलीज करेंगे। देखिए, हम इस फिल्म के डीओपी हैं, राजू भाई ने हमको मौका दिया काम करने के लिए, उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और फिल्म बहुत अच्छी बनेगी जो भी है, राजू भाई ने इतना बोल ही दिया है, अब हमें बोलने की उतनी ज़रूरत नहीं है।
कौन से कैमरे पे शूट कर रहे हैं? हम रेड क्या कहते हैं ड्रैगन पे शूट कर रहे हैं। थैंक। मेरा नाम बबीता चौधरी है और जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो तनिषा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो एक मतलब जो कैरेक्टर प्ले करती है मतलब चोर टाइप की लड़की होती है जो बाद में एक लड़के के प्यार में पड़ती है, लड़का बहुत सीन सादा होता है तो फिर बाद में सुधर जाती है। जी डांस आ रही है, रोमांटिक सॉन्ग है, बाकी जो भी अपडेट रहेगा बाद में। जी डायरेक्टर नेम रजून सर है और जो बहुत अच्छे हैं और बिहेवियर नेचर सब हम्बल है काफी। मेरा नाम जीना जैन है और मैं इस मूवी में माँ का कैरेक्टर कर रही हूँ और जैसे कि डायरेक्टर सर ने बताया कि ये दोनों मेरी बहुएं बनने वाली हैं और बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। So I am playing the character of Sakina. So I am a Muslim girl and very sweet, good Muslim girl. And rest of after watching guys the character. Veera ji, आप अपनी दो तो बहुएं हैं, आप बहुओं को कितना समय दोगे? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, बहुएं तो बेटी के समान होती हैं, सताऊंगी तो मुझे छोड़ के भाग जाएंगी मेरी बहुएं। नमस्कार, मेरा नाम जीतू शुक्ला और शहजाद भाई जो है मेरे बड़े भाई। जब मैं स्टार्टिंग बॉम्बे में आया था तभी से उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और उन्होंने मेरा सपोर्ट हमेशा किया और करते रहे। मैंने इनकी सारी मूवी में काम किया हुआ है, जो भी जो अच्छे अच्छे करेक्टर किए हैं। इसमें मुझे हवलदार का करेक्टर दिया हुआ है, थोड़ा सा गे टाइप करेक्टर है कॉमिक, और बाकी जो भी मूवी भैया करते ना मुझे उसमें अच्छा करेक्टर देते, उनके आशीर्वाद से मेरा काम चल रहा है। मुझे कभी भी जात पात का कभी रहा ही नहीं, मुझे छोटा भाई से ट्रीट करते हैं, भाई मुस्लिम है मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं जताया कि तुम अदर कास्ट हो। तो ये आजकल जो चल रहा है वो गलत है, सब मिल के रहना चाहिए। ये एक सीख है कि कोई जात पात नहीं होती, इंसान होता है, इंसान इंसान का आप जितना प्यार रखोगे ना, वो पुराना चल रहा था, आज पता नहीं क्या राजनीति इशू के सब चलने लगा कि जात है पात है, कोई भी नहीं मानता, इंसान अच्छा होना चाहिए, वही सच्ची जात। यही फिल्म का हमारा मैसेज है, बस वही है भैया का आशीर्वाद से आज मैं मार्केट में भी काम ठीक ठाक मेरा चल रहा है, आज बस बॉम्बे में सर्वाइव कर पा रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि भैया का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही मेरे पास बना रहे, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और बस उनके आशीर्वाद से ही मेरा सब काम चल रहा है। थैंक यू, नमस्कार।